Hi guys, welcome to Bio Learning Point and I am with you Priya Misra. So in this video we will be discussing about some important points regarding joint CSIR UGC NET examination and kya cheeze aapko follow karni chahiye wo sab hum discuss karne wale hain and I have a 3-year experience regarding CSIR exams and all. So मैं चीज़ों को शायद रिलेट कर पाऊँगी और आपको बता पाऊँगी कि कहाँ जो है चीज़ें आपसे गलत हो रही हैं और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 3 मंथ्स प्लान का बात करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि 3 मंथ्स क्यों, 3 मंथ्स में एग्ज़ाम कंडक्ट होने के क्या चांसेज हैं. तो गाइज़ जो एग्ज़ाम अभी हमारा डन हुआ प्रीवियसली जो सेप्टेम्बर में हुआ था और रिज़ल्ट वगैरह भी डिक्लेयर हुआ, सो वो जो है वो जून का एग्ज़ाम था, जून 2022 का. एंड जो अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन है वो दिसंबर 2022 का एग्ज़ामिनेशन होगा. और दिसंबर 2022 के एग्ज़ामिनेशन तक का अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया है. सो मोस्ट प्रोबेबली जो नोटिफिकेशन है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मंथ के जो एक्सपेक्टेड डेट था, जैसा कि उन्होंने बताया था कि 15th तक वो रिलीज़ कर रहे हैं एंड टुडे इज़ 11th आई गेस. सो नहीं, 15 तक तो इस मंथ के लास्ट तक वो जरूर नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे रिगार्डिंग जॉइंट CSIR UGC NET 2022 दिसंबर एग्जामिनेशन. तो कितना भी डिले होगा तो नोटिस नोटिफिकेशन रिलीज होने से लेके एग्ज़ाम कंडक्ट होने तक में जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन हम ले सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उसके बीच में होती है. तो इसीलिए हम 3 मंथ्स के स्टडी प्लान के बारे में यहाँ से बात हम करने वाले हैं. सो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट को बता दूं जो कि बिगनर्स हैं, बिगनर्स इन द सेंस कि जो न्यूली इनरोल्ड स्टूडेंट हैं इस बार पीजी में जो इनरोल्ड हुए होंगे 2022, जिनका सेशन है 22 to 24, तो उन लोगों के लिए हम बात करेंगे. तो सबसे पहले आप जाके CSIR का वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस डाउनलोड करें, आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करवाइए, अदरवाइज उसको आप खुद भी राइट कर सकते हैं, ये एक तरीका होता है. एंड जो बिगनर्स अभी सोच रहे हैं कि वो जो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके बाद वो लोग स्पेशली प्रिपरेशन करेंगे फॉर नेट JRF, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो हमारा डिसीज़न होता है वो गलत हो जाता है. बिकॉज़ हमारे पास अभी सफिशियंट टाइम है, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ ही आप इस चीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं. बिकॉज़ जो भी आप सब्जेक्ट से होंगे वो आपका सिलेबस कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा. मैं यहाँ पर लाइफ साइंस को जो है रेफरेंस में रख के बात करना चाहूँगी. तो लाइफ साइंस में आप लोग कहीं ना कहीं से बॉटनी, जूलॉजी या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं लाइक बायोकेमिस्ट्री कुछ लोग चूज़ करते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट होगा आपके CSIR नेट का. तो इसीलिए जो है आपको ओवरऑल CSIR का प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए. स्टार्टिंग में चीज़ें समझ में नहीं आती है, समझ में आना बहुत टफ लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नया पढ़ना पड़ता है. और हम मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि चीज़ें थोड़ी कठिन आएंगी और ग्रेजुएशन से वो चीज़ें थोड़ी सी टफ तो होंगी ही, तो उसका हमें आदत डाल लेना है और जो चीज़ें हैं उसको बार बार पढ़ना है. तो सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप, मैं लाइफ साइंस से हूँ तो शायद मैं उसी को ज़्यादा जोर दे रही हूँ यहाँ पे. तो लाइफ साइंस में जो हमारा 13 यूनिट है, ठीक, एक एक यूनिट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है. और यदि मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूँ तो बायोकेमिस्ट्री में हम जब स्टार्ट करते हैं चीज़ें पढ़ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें ईजी लगती है और पढ़ी हुई लगती है कि हमने प्रीवियसली कभी ना कभी पढ़ा होगा. तो आपको फर्स्ट यूनिट में ये करना है कि आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, और बेसिक्स क्लियर करने के बाद ही आपको आगे बढ़ सकते हैं और आगे आप चीज़ों को ईजिली रिलेट कर सकते हैं. तो हमारा ये चीज़ होना चाहिए कि हम बेसिक्स पे ध्यान दें. पता चल रहा है कि हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, लेनिंजर उठा के पढ़ रहे हैं और चीज़ें हमें नहीं आ रही है समझ में, तो ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है. आप सबसे पहले चीज़ों को आसान तरीके से पढ़ने का कोशिश करिए. आसान तरीका ये होता है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाइए और देखिए कि सिलेबस में क्या मेंशन है, और उसके लिए आप एक अप्रोप्रिएट सोर्स जो है, जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं. आप डायरेक्ट आपको चीज़ें जो है इजीली अवेलेबल आजकल के डेट में हो गई है, पहले हालांकि नहीं थी. तो वो चीज़ आपको जब मिलता है, इसके बाद आप जब उस टॉपिक को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल देकर बताऊँगी. लाइक व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, एंड जब आप स्टार्ट आपने किया प्रिपरेशन और आप एक टॉपिक उठाते हैं रामाचंद्रन प्लॉटों की, और रामाचंद्रन प्लॉट आप XYZ किसी भी चैनल से पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ा, और उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में,
और यदि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं दैट मींस कि आपका जो प्रिपरेशन है, आपने जो पढ़ा है वो एकदम करेक्ट है, आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरीका होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट जब सेम है, कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें ऐड नहीं होंगी लाइक अदर सब्जेक्ट्स की नई चीज़ें ऐड हो रही हैं और चीज़ें जो है वो अपडेट हो जाएंगी, नथिंग लाइक दैट। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद एक क्वेश्चन स्टूडेंट का ये रहता है कि हम सेल्फ स्टडी से कर पाएंगे, हमको कोचिंग लेने की ज़रूरत है एंड बाकी की चीज़ें, तो ये आपके ऊपर है। मैंने सेल्फ स्टडी से किया था और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प थी, मेरा जो हम कहते हैं कि मैंने किसी भी कोचिंग को बहुत फॉलो किया एंड मेरा सब्सक्रिप्शन एंड ऑल उस टाइम में नहीं था एंड मैं स्टेट यूनिवर्सिटी से खुद थी, तो शायद आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इतना भी टफ नहीं रहता है चीज़ें, बस हम जब चीज़ों को आसान तरीके से लेने लगते हैं, आसान इन द सेंस कि हम कर लेंगे, हमें चीज़ें समझ में आ रही है, चीज़ें आसान है और नहीं आसान है तो हम बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाती है। तो वही चीज़ करना है अभी से कर ले। तो ये हमारा था जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए। अब मैं बात करती हूँ रिपीटर्स का, मतलब जो एक दो बार निर्देश दे चुके हैं और तीसरे चौथे बार देने वाले हैं, उनके लिए हम बात करेंगे। तो वो जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि हम ऑलरेडी चीज़ें पढ़े हुए हैं, हमें चीज़ें याद हैं, हमें ऊपर ऊपर से पढ़ने की ज़रूरत है और इसी का सब कुछ खेला हो जाता है, क्योंकि चीज़ें बेसिक्स ही आती हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं है। आपको भी बिगनर्स की तरह तरीके से ही पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग में वही सारा शेड्यूल बनाना होगा जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है, फिर से सेम एनर्जी के साथ आपको आना होगा। इनफैक्ट आपको और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और साथ में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सपोज डैट कि हमारे पास बहुत सारा जो सोर्सेज हैं, हमने बहुत सारा नोट्स प्रिपेयर कर लिया, बहुत सारे हमने क्लासेस को देख लिया और उसके बाद हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता होगा कि जो हमने पढ़ा वो हमें याद है या नहीं याद है, या जो हमने पढ़ा वो रिलेवेंट था या नहीं था। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और वो क्वेश्चन हो सकता है आपके मॉक के फॉर्म में हो, आपके PYQ के फॉर्म में हो, और PYQs तो बहुत लिमिटेड है, मतलब 10 साल आप लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं बनते हैं, शायद उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत होती है। मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तो उसमें क्या होता है कि आप जब एग्जामिनेशन में जाते हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको आती रहती है। तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कोई भी, पढ़ना पड़ेगा ही, 5 मिनट में नेट क्लियर करे इस तरीके का चीज़ नहीं होता है, 10 मिनट में कर ले, 1 महीने में कर ले, आपको चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी और वो भी एकदम डेप्थ में जाके, बेसिक्स क्लियर करके, तभी जाके आप चीज़ों को आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरा कुछ चीज़ें था, ये मेरे एडवाइजेस थे एंड यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक को लाइक पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को लेके बात करती तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता, तो इसके लिए नया वीडियो हम लेके आएंगे। और आई वुड सजेस्ट कि आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, आप जो पर्सनली आप लोग मैसेज करते हैं उससे बेटर है कि यहाँ पे आप बताएं, बाकी के स्टूडेंट को भी शायद वो सेम डाउट होगा तो हम उसको लेके वीडियो बना सकते हैं और आपको चीज़ें ईजिली बता सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको समझ में आई होंगी चीज़ें और आप रिलेट कर पा रहे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, कहीं भी ज़रूरत हो तो हम आपके साथ हैं। और कोई भी यदि चीज़ें कहीं भी आपकी फंस रही हैं लाइक बुक्स एंड ऑल में, तो आप मुझे बहुत ही आसानी से पूछ सकते हैं। मैंने अपना टेलीग्राम भी पिन करके रखा है, पर्सनल मैसेज का भी ऑप्शन है वहाँ, तो वो भी आप जाके कर ही सकते हैं। सो लगे रहिए और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एंड थैंक यू गाइज़।